बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। आज हम सब मिलके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सिंपल से चिकन चीज़ समोसे। रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसको गरम करके 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल करके 30 सेकंड्स के लिए इसको सॉटे करेंगे। और फिर 1/2 kg मैंने चिकन का मिंस लिया है, उसको डाल के 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। अब सारे ड्राई स्पाइसेस चिकन में शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। और ध्यान रहे कि मसाले जल ना पाए, 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें बारीक चॉप कर दिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 2 हरी मिर्चें चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इतना हम इसे फ्राई कर लेंगे कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और अनियन जो हमने डाली है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है, अनियन भी सॉफ्ट हो चुकी है, सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और 1 कप मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल कर दिया है, 1 कप हरा धनिया शामिल करा है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ इसमें ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो चीज़ शामिल करें, नहीं तो स्किप कर दें। और समोसा को सील करने के लिए 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और इस फ्लावर मिक्स की जगह आप सिंपल एग लें, उसे बीट करें और इसे कॉर्नर पे लगा के समोसा बंद कर दें, तो उससे भी समोसा सील हो जाता है। चिकन फिलिंग रेडी हो चुकी है और पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब समोसे को फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब समोसा पट्टी पे फिलिंग रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, 1 टीस्पून चिकन फिलिंग शामिल करके इसको हम एहतियात से फोल्ड करेंगे कि कॉर्नर्स में गैप ना हो, अच्छी तरह से सील हो जाए और फिलिंग हमारी बाहर ना आ सके। यहाँ समोसे का शेप दे दिया है और लास्ट के कॉर्नर पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे जो मैदे से बनाया था, और फिर अच्छी तरह से इसको चिपका देंगे ताकि समोसा सील हो जाए और इसके अंदर से फिलिंग बाहर ना आ सके। और 1 by 1 करके तमाम समोसे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे।
इस तरह शेप देके आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं ट्रे में, थोड़ा गैप दे दे के इनको रखें और 10-15 दिन ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो सकते हैं। और फिर आप जब भी यूज़ करना हो निकालें और डीप फ्राई कर लें। ऑयल गर्म कर लिया है और स्लो फ्लेम करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से समोसे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही कम स्पाइसेस में बहुत ही टेस्टी ये चिकन समोसे बनके रेडी होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा और जो चैनल पर न्यू हैं वो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम भी दुआओं में आपको याद रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।